ठीक है, एम्फीबिया जो है वो फर्स्ट एयर ब्रीथिंग वर्टिब्रेट्स हैं जो कि लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, स्किन इसकी ग्लैंडुलर होती है, दैट मीन्स इट्स क्योंकि जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है, सिक्रीशन का काम होता है, इसीलिए इसकी स्किन यहाँ पे ग्लैंडुलर। और जो इनके एग होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं, यॉर्की होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे जो हम टर्म यूज़ करते हैं मैक्रोलेसिथल, दैट मीन्स द एग मेनली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ आ एग मेनली बेस्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ यॉर्क प्रेजेंट। तो या लार्ज यॉर्की एग के लिए हम मैक्रोलेसिथल भी बोल सकते हैं। इनके जो एम्ब्रियो हैं उनमें फीटल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, लार्वे में गिल होती है एंड आर फाउंड इन वाटर ओनली। एम्फीबियन रिगार्डेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ डिवोनियन क्रॉस ऑफ टेरिजियन फिशेज। इनका जो ओरिजिन हुआ है वो डिवोनियन क्रॉस ऑफ टेरिजियन फिशेज से हुआ है। क्रॉस ऑफ टेरिजियन फिशेज जो है वो लोब्ड फिन फिशेज होती हैं, जिनका जो मस्कुलेचर होता है फिन तक काफ़ी स्ट्रांग होता है और मोर फ्लेक्सिबल होता है, और ऑसिफिकेशन बहुत कम होता है, ठीक है। देन कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इम्पेल करते हैं ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया को। द इम्पेलिंग कॉज फॉर द ओरिजिन ऑफ और एम्फीबियंस और टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर माइट हैव बीन द ड्राई कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड स्कार्सिटी ऑफ फूड, ठीक है। जो मेन फैक्टर्स हैं एम्फीबिया के ओरिजिन के वो हैं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, दैट मीन्स ड्राई कंडीशन और स्कार्सिटी ऑफ फूड यानी कि लैक ऑफ फूड, ठीक है। फिशेस जो सी में हैं कैन नॉट सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फूड, कैन नॉट सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फूड और स्कार्सिटी ऑफ वाटर, सर्वाइव नहीं कर पाती हैं अगर फूड की डेफिशिएंसी हो और वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो। इसीलिए जो एम्फीबियन हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं कुछ फ्रेश वाटर फिशेस से ही, ठीक है। जैसे कि रॉमर ने बताया, अकॉर्डिंग टू रॉमर सम ऑफ द लेट डेवोनियन क्रॉस ऑफ टेरिजियन फिशेस फ्रॉम द फ्रेश वाटर पूल माइट हैव बीन फोर्स बाय अ एक्सेसिव ड्राफ्ट। कि रॉमर के अकॉर्डिंग कुछ जो लोब्ड फिन फिशेस थी वो क्या कहते हैं, वो अपने फ्रेश वाटर पूल से दूसरे फ्रेश वाटर न्यू फ्रेश वाटर पूल में गई, लेकिन जब वो ये माइग्रेशन किस कारण हुआ उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और जो फूड की कमी की वजह से, दैट मीन्स द स्कार्सिटी ऑफ फूड की वजह से वो एक वाटर पूल से दूसरे वाटर पूल में जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये माइग्रेशन होता है तो उस टाइम पे उनको उनको लैंड पे भी आना पड़ता है। दूसरे फ्रेश वाटर पूल में जाने से पहले वो लैंड पे आते हैं, तो लैंड पे क्या क्या ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं वो सब इनके ओरिजिन के टाइम पे हुए, ठीक है। देन ओरिजिन ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब हमें ये जो एविडेंस मिले हमें किस किस के बेसिस पे मिले, ये हमें उनके स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस के बेसिस पे, उनकी फॉसिल्स की स्टडी, एनाटॉमिकल रिजेम्बलेंस मतलब जो उनके स्ट्रक्चर है उसकी रिजेम्बलेंस को देखते हुए, पैलेंटोलॉजिकल यानी कि फॉसिल्स की स्टडी, और उनकी कुछ लार्वल सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए फिशेस के साथ। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल जो सिमिलैरिटी है उसमें जो एनाटॉमिकल रिजेम्बलेंस है बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबियंस वो बहुत ही क्लोज है, तो इसको इसीलिए हक्सले ने इसको रखा इक्थायोप्सिडा में। अब वो क्या क्या रिजेम्बलेंस है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ सिंगल वेंट्रिकल इन हार्ट, प्रेजेंस ऑफ सिंगल वेंट्रिकल एओर्टा, प्रेजेंस ऑफ गिल्स एंड गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रियो, ठीक है। कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज हैं जैसे कि एग्स जो एम्फीबियन के हैं लार्ज और यॉर्की होते हैं, ठीक है। देन आपका टैडपोल जो लार्वा है एम्फीबियन का वो ग्रेट सिमिलैरिटी दिखाता है फिश से। जो स्टेजेस हैं मेटामॉर्फोसिस की टैडपोल में वो जस्ट पैरेलल है, और ये चीज़ें ये दिखाते हैं कि इवोल्यूशन जो एम्फीबियंस का है वो पाइसिन एंसेस्टर से हुआ है, यानी कि फिश लाइक एंसेस्टर से हुआ है, ठीक है। तीसरा आपका आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, क्या क्या फॉसिल्स जो इनके मिले उससे क्या क्या पता चला, ठीक है। तो द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ एम्फीबियंस हैव बीन ऑब्टेन इन द अपर डिवोनियन सेडिमेंट इन ईस्ट ग्रीनलैंड, दीज आर एसेंशियली इंटरमीडिएट बिटवीन, ये इंटरमीडिएट थे बिटवीन इनके जो करेक्ट जो फॉसिल्स के जो एविडेंसेस मिले वो क्या शो करते हैं कि एम्फीबियंस में दोनों के करेक्टर क्रॉस ऑफ मतलब ये एडवांस क्रॉसोप्टेरियन और अर्ली एम्फीबियंस के जो इंटरमीडिएट करेक्टर्स हैं वो सारी इनके फॉसिल्स में देखने को मिले।
इसीलिए इनको एक क्या बोला गया, इक्थायोस्टेजिट्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरा इज इक्थायोस्टेगा एंड इक्थायोस्टेगोप्सिस। ठीक है, तो जो इनका स्कल और वर्टिबल कॉलम है दैट कैन एग्जिबिट ए नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज विद लोप्ड फिनफिशेज स्कल। पहला कि जो पैटर्न है रूफिंग बोन स्कल का वो जस्ट लाइक सिमिलर पैटर्न सीन इन अ प्रोसोप्टेरिजिन फिशेज। सर्टेन फिश बोन्स लाइक प्री ऑपरक्यूलर वर रिटेन्ड एज रिड्यूस्ड एलिमेंट इन इक्थायोस्टेगा। एक्सटर्नल और जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है वो एग्जिबिट करते हैं ग्रेट सिमिलैरिटी। ठीक है, और पोस्ट क्रैनियल स्केलेटन ऑफ इक्थायोस्टेगा एग्जिबिट ए मिक्सचर ऑफ फिशेज एंड एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक। द वर्टिब्रा एग्जिबिट द स्लाइट एडवांस ओवर अ क्रोसोप्टेरिजियन कंडीशन। द फिनरे ऑफ फिश टेल आर रिटेन्ड इन द कॉडल रीजन जस्ट लाइक इन इक्थायोस्टेगा। ठीक है, देयरफॉर इससे ये कंक्लूजन निकला, ये जितने आपने कैरेक्टर्स देखे इससे ये कंक्लूजन लिखा कि इक्थायोस्टेगा इन स्पाइट ऑफ रिटेंशन ऑफ सर्टेन फिश लाइक कैरेक्टर वर ऑन द वे ऑफ अ एम्फीबियन लाइन एंड कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट एम्फीबियंस। ठीक है, इवोल्यूशन जो इसका है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक अपीयर्ड फर्स्ट इन अ एंसेस्ट्रल फॉर्म।